इसके अंदर प्रोसीड मीट बाई बैंक लोन इन केस ऑफ बैलेंस बींग मिनिमम अमाउंट कंपनी रिक्वायर्ड टू बी फिफ्टी थाउजेंड इसके अंदर भी मिनिमम अमाउंट आ गया है एज पर द एग्रीमेंट द प्रेफरेंटर होल्डर डायरेक्टर डिसाइड इस क्वेश्चन को एक बार करके देखेंगे थोड़ा सा मान के चलो, ऐसा ही रहेगा आपके सामने और बैलेंस शीट रहेगा बैलेंस शीट के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे रहेंगे उस पॉइंट्स के ऊपर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा अगर पेपर आपका आया है स्टेट फॉरवर्ड अदरवाइज आपका पेपर आ गया पॉइंट्स में के पहला क्वेश्चन दिए उसके चार पॉइंट दे दिए चार पॉइंट करो पॉइंट ए बी सी तो क्वेश्चन यही रहेगा बट ये क्वेश्चन अब उन्नीस नंबर का नहीं होगा यही क्वेश्चन अब आपका आठ नंबर का बन जाएगा तो जब हमारे पॉइंट में पेपर आता है ना तो क्वेश्चन का लेंथ कम नहीं करते वो क्वेश्चंस वही रहता है बस उसके मार्क्स रिड्यूस कर देते हैं ये बात आपको ध्यान रखना है तो ये क्वेश्चन जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन 19 नंबर का भी है और ये क्वेश्चन 10 नंबर का भी है और यह क्वेश्चन 6 नंबर का भी है है एग्जामिनर के ऊपर कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आपको देता है चलिए हम देखते हैं क्या कहता है रिडम्शन प्रेफ्रेंशियर और ये आपके आठ इलेन आगे पीछे हो सकता है आपके किताब में द फॉलोइंग आर द अकाउंट बैलेंस आपका बैलेंस अवेलेबल है और इकतीस मार्च डेट नहीं दिया हमारे पास फाइव थाउजेंड आपको दिख रहा होगा विजुअल है ये ठीक है आपके पास शेयर सौ रुपए जिसकी कीमत कितनी है सर सर लाख है ठीक है इक्विटी शेयर भी है आपके पास ये आपके पास कैपिटल रिजर्व है दट इज आपका एक लाख आपके पास कैपिटल रिजर्व आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी काम के लिए परमिशन लेना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक लाख है जनरल रिजर्व आपके पास दो लाख है सरप्लस आपके पास एक लाख है ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्री लीज के लिए क्या क्या जनरल रिजर्व और सरप्लस तीन लाख रुपए आपके पास ऐसे हैं जो सीआरआर को बनाने में यूज किया जा सकता है आगे कहता है सर इधर प्रॉपर्टी प्लांट यानी एसेट साइड इन्होंने बता दिया कहता है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर शेयर आर टू बी रिडीम रिडीम यानी सर प्रेफरें कितनेशियल रिडीम करने हैं सर सर ये ट्वेल्व परसेंट है ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो आपने रिडीम करना है दैट इज पांच लाख का पहली बात समझ में आई यानी जितने बैलेंस शीट में सारे करेंगे टेन परसेंट प्रीमियम पे करेंगे मतलब सर इसके ऊपर मैं प्रीमियम भी दूंगा यानी सर प्रीमियम कितना होगा हमारा पचास हजार यानी हमें पांच लाख पचास हजार रुपए टोटल पेमेंट करना है अप्रैल को डेट इसमें मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा अ फ्रेश इशू इक्विटी शेयर वर मेड टू एक्सटेंड ऑफ रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्शन प्रेफरेंस यानी बोला गया फ्रेश इशू हम इशू करेंगे लेकिन हम नहीं बताएंगे कि कितना इशू करेंगे ये आप निकालो हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि फ्रेश इशू कितना करने वाले हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी की जितनी रिक्वायरमेंट होगा दॉल ऑफ कैश यानी जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसे देने हैं ना उसको तो पैसे देने में जो शॉर्टफॉल होगा कैश का यानी जो पैसे देने के टाइम पे हमारे कम पैसे पड़ेंगे रिसोर्स ऑफ द पर्पस उसके बाद भी कम पैसे रहे हैं उसको देने के लिए तो आप पैसे कहां, कहां से आएंगे आपके पास एक आपने नए इशू किए वहां से पैसे आ रहे हैं आपने इन्वेस्टमेंट एसेट तो वैसे भेज दिया वहां से आ रहा है दो यही जगह से आ सकते हैं बोला इन दोनों के बाद भी अगर आपके पैसे कम पड़ रहे हैं तो आप लोन लेना पड़ेगा आपको यानी लोन लेने की भी एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको आगे कहता है द द कैश बैलेंस ऑफ ऑफ मिनिमम अमाउंट कंपनी रिक्वायर्ड इट्स ट्रेडिंग ऑपरेटिंग बोलता भैया जो आपके पास कैश पचास हजार रुपए है ना इसको छेड़ना मत ये तो पचास हजार आपको हमेशा रखना ही रखना है क्योंकि अगर ये पचास हजार उड़ा दिए तो आप सैलरी कैसे दोगे वर्कर का वेजेस कैसे दोगे वो तो देने के लिए चाहिए तो ट्रेडिंग डेली डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए यानी ये पचास हजार रुपए ध्यान से करने के बाद आप सोचना ड्राफ्ट द जनरल एंट्री इन द बुक्स प्रिपेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं बैलेंस है? नहीं जाते Companies Act. तो आप सबसे पहले देखो आपको फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है आपको फंड कितने की रिक्वायरमेंट है दैट इज पांच लाख पचास हजार की आपको रिक्वायरमेंट है ठीक है और पचास हजार आपके पास ऑलरेडी है लेकिन आप उसका इस्तेमाल तो करोगे नहीं वो तो छोड़ना ही है आपके पास सबसे पहले देखा जाए तो हमें पांच लाख रुपए फेस वैल्यू को देखना है इसके पर्पस के लिए हमारे पास सी जो बनाएंगे सी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मात्र कितने लाख है तीन लाख सी के लिए है उसने बोला मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करिएगा मिनिमम यानी ज्यादा मत कर देना ऐसा नहीं कि आपको पांच लाख पचास हजार की जरूरत है कर दो छह लाख का शेयर ऐसा नहीं मिनिमम कम से कम तो भैया देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास दो लाख शेयर इशू करने का ही हमारे पास राइट है और जो फ्रेश इशू करोगे ये नहीं बोला कि फ्रेश इशू करोगे वो प्रीमियम पे कर देना उसने ऐसा कुछ नहीं बोला फ्रेश इशू कहता है कि एक्सटेंट रिक्वायरमेंट कहता है फ्रेश इशू इक्विटी शेयर मेड टू द एक्सटेंट रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट लॉ के हिसाब से कंपनी जब भी कहे ना एज पर लॉ तो इसका मतलब बच्चों आप समझ जाओ आपको कैसे करना है सही से कैलकुलेशन करना मर्जी से मत करना होने को तो यहाँ ये यह भी हो सकता था फ्रेश इशू बोला हुआ मैं छह लाख का फ्रेश इशू कर दू टेंशन ही खत्म दो एंट्री में खत्म क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे फ्रेश इशू कितना कर सकते हैं हम सिर्फ लाख तो सर दो लाख अगर आप फ्रेश इशू करोगे और आपको पांच लाख पचास हजार की पेमेंट है तो आपके शॉर्टेज पड़ेगा ही पड़ेंगे क्योंकि आपके पास कैश जो आया है इन टर्म्स ऑफ दो ही लाख आए हैं तो कितने का शॉर्टेज पड़ गया आपको पचास हजार नहीं पांच पचास पेमेंट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो लाख का पैसा आया है तो लाख रुपए कम पड़ गए रुपए की मैं बात कर रहा हूं जो पेमेंट करना है अब देखो मुझे आपको पैसे देने कितने लौटाने आपको पांच पचास लौटाने और मेरे पास पैसा कितना है सर पचास हजार अकाउंट में है क्वेश्चन कहता है इसको छूना मत अगर अकाउंट में डेढ़ लाख रुपए होता तो एक लाख इस्तेमाल करता पचास हजार छोड़ देता तो इसे तो हाथ ही नहीं लगा सकता अब भैया पांच लाख पचास हजार इकट्ठा कर सकता हूँ सिर्फ दो लाख तो भैया तीन लाख पचास हजार तो कमी रह गए ना अब तीन लाख पचास हजार क्वेश्चन खुद कहता है कि अगर जरूरत पड़ता है अगर कैश की तो आप क्या करना बैंक लोन ले लेना तो आप जो मुझे बैंक लोन लेना पड़ेगा वो कितने का लेना पड़ेगा तीन लाख पचास हजार ये क्वेश्चन को समझना है ये छोटे छोटे पॉइंट है और ये पहला यूनिट ही चल रहा है ध्यान रखना इसका और ये सारी चीजें आपको अगर

सबसे पहली एंट्री की अगर हम बात करें तो पहली एंट्री हम जनरल रिजर्व और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है तो जनरल रिजर्व और सरप्लस और टू सी आर आर अब अमाउंट आपको पता ही है क्या क्या लेना है जनरल रिजर्व में एक लाख तीन लाख इसकी मैं बैलेंस शीट ना जैसे ये बैलेंस शीट है ना मैं पुरानी वाली बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा ताकि आप

प्रफरेंसर होल्डर को बुला लें या पहले बैंक लोन ले लेते हैं पैसा देने से पहले बैंक लोन ले लेते हैं तो बैंक लोन लोन लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक लोन कितने का ले बैंक लोन तीन लाख पचास हजार कैसे आया तीन लाख पचास हजार ये सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग है ये कहीं क्वेश्चन में लिखा नहीं है तीन लाख पचास हजार कैसे आया कुछ बच्चे फिर भी पूछेंगे तो मैं इसलिए लिख देता हूं कि भैया ये पैसा आया हमारे पास कैश टोटल पेमेंट करना था पांच लाख और जो फ्रेश इशू से आया मेरे पास वो आया सर दो लाख अभी भी कम पड़ रहे हैं हमारे तीन लाख पचास हजार तो इसलिए मैंने इसके बदले ले लिया लोन और जो पहले से पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था इस पैसे का हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पचास हजार रुपए रखना है अमाउंट कंपनी ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए समझे अगली एंट्री फोर्थ एंट्री करते हैं बुला लो शेयर होल्डर को तो कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर है सर ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर सर कितने आएंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दैट इज आपके आ जाएंगे टोटल पांच लाख और यहाँ आ जाएंगे पचास हजार और ये फाइव पॉइंट फाइव समझ में आए यहाँ तक अब इसको उठा के पेमेंट कर दें सर होल्डर और टू बैंक 5.5 लाख बीइंग मैं किसी का नहीं लिख रहा क्योंकि पहले क्वेश्चन में जब मैं बीइंग लिख देता हूं तो वही आपको हर जगह फॉलो करना होता है और इसका बीइंग नॉर्मल कॉमन सेंस से निकाल के आपको लिखना होता है ये हो गया अब सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म करना है सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का जो वापस हम खत्म करना है पचास और जबकि पहले से अकाउंट में कितना बैलेंस है तो हम कर सकते हैं सिंपली सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम ये रिडम्शन वाला है ठीक है ये पचास हजार और पचास हजार लो जी ये हमारी जर्नल एंट्री पूरी की पूरी क्या हो गई कंप्लीट हो गई अब एक ना बैलेंस शीट बनाना है तो मैं बैलेंस शीट ना पुरानी स्टाइल वाला बनाता हूं ताकि आप समझ पाओ पुराने टाइप वाला बैलेंस शीट बना रहा हूं ताकि आप समझ पाओ चलिए सर बेटर है कि मैं आपके सामने ना ये क्वेश्चंस भी कॉपी कर ये। और आ जाइए ताकि सामने कंपैरिजन ठीक रहे क्वेश्चन तो याद हो जाना चाहिए वैसे ये लीजिए एक बैलेंस शीट यही है तो मुझे सारे बैलेंस शीट के जो ये डेटा है सेम रखना है सब कुछ सेम पहला क्या है हमारा ये एसेट ओल्ड वाली बना रहा हूं मैं और ये लाइबिलिटी और ये बैलेंस शीट ठीक है ना बाकी अमाउंट अमाउंट तो समझ जाओगे आते हैं सर एसेट्स को पहले पूरा करते हैं सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट है तो पीपीई मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा ताकि बस समझाऊं आपको मैं सर चौबीस लाख पहले भी था इसमें से कुछ बेचा वेचा है नहीं तो चौबीस लाख ही रहेगा नहीं बैलेंस शीट बन रही है बस इसको बैलेंस शीट पता है कैसे बनाना है जो आपने ट्वेल्थ क्लास में सीखा था शेड्यूल थ्री वाली बैलेंस शीट उस फॉर्मेट में पुट करना होगा तो वो हम अभी देखेंगे इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं सर स्टॉक स्टॉक के साथ कोई छिड़कानी करी क्या हमने बेचा उचा कुछ तो जवाब है नहीं क्वेश्चन में कह सकता था बेच दो तब तो हम करते सोचते भी कितने हैं ये पांच लाख डेटर के साथ भी कुछ नहीं हुआ तो डेटर कितने का हो गया पचास हजार ही रहा सर कैश के साथ वैसे ही हमने कुछ नहीं किया ये पचास हजार बोला ही था मिनिमम रखने को तो रख दिया सर इसका टोटल तो सेम ही आ गया एज इट इज कितने तीस लाख अब लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं सर ये प्रेफरेंस शेयर पहले था अब आएगा क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब नहीं आएगा क्योंकि वो तो रिडीम हो गया आपने जीरो नहीं लिखना एग्जाम में मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये कि भैया वो खत्म हो गया हाँ वर्टिकल वाली बनेगी शेड्यूल थ्री मैं पुरानी बैलेंस शीट से सिखा दूं ताकि आपको मतलब इंटरनली एक होता है ना माइंड में फिक्स हो जाता है अच्छा ये करना है

जीरो कभी भी हम डिजिट दिखाते ही नहीं बारह लाख ठीक है अब आ जाओ सर कैपिटल रिजर्व के साथ कोई छिड़खानी नहीं तो एज इज आ जाएगा एक लाख सर एसपी के साथ हमने चेंजेस किए हैं एसपी के अंदर मेरे पास एक लाख था जिसमें से हमने पचास हजार रुपए का माइनस किया था तो ये कितने बचे पचास हजार सर जनरल रिजर्व और सरप्लस गायब जनरल रिजर्व भी हमारा पूरा इस्तेमाल हो गया सरप्लस इनके बदले एक और पॉइंट क्रिएट हो गया था दैट इज सी आर आर ये तो रहेगा हमारा कितने रुपए तीन लाख अब आप आ, कितने बच गए हमारे तीन लाख ठीक है यहां तक समझ में आई बात आपको आगे देखते हैं सर करंट लाइविलिटी इसमें तो कोई छिड़खानी नहीं है करंट लाइविलिटी कितने हैं दस लाख कुछ और भी है कि जनरल एंट्री अब चेक करना होगा सर सी आर आर की एंट्री कर दी बैंक की पेमेंट की भी एंट्री कर चुके हैं और लोन का है एक लोन का रह साढ़े तीन लाख ना तो लोन हम ले लेते हैं बैंक लोन बैंक लोन कह लो ओवरड्राफ्ट कह दो थ्री फिफ्टी है ना चलो जी और क्या रहेगा जनरल एंट्री चेक करो और सर सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ हो गया सब कुछ तो हो गया आपको मैंने याद होगा पहली क्लास जब ली थी मैंने तो मैंने बताया था कि हमारे कैपिटल कभी भी घटेंगे नहीं क्योंकि इसका पर्पस यही है तो पहले कैपिटल देखो कितना था पंद्रह लाख पहले कैपिटल कितना था अब देखो कैपिटल कितना है हमारा बारह लाख और हमारा तीन लाख रुपए सी आर आर इसका भी कैपिटल ही इशू होगा बाद में इस तीन लाख का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर तो देखो कितने हो गए बारह और तीन पंद्रह तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा जितना ऑनर फंड था अभी भी फंड इन्वॉल्व है सिर्फ इस सी आर आर बनाया जाता है अब इसका टोटल करो ये भी तीस लाख आना चाहिए तीस लाख आ रहा है ये बन गया अब इसी बैलेंस शीट को हमें शेड्यूल थ्री के हिसाब से बनाना सीखना होगा लेकिन पहले आपको शेड्यूल थ्री का पूरा फॉर्मेट सिखाना होगा और शेड्यूल थ्री के सारे नोट्स सिखाने होंगे सिर्फ बैलेंस शीट का पी एंड एल तो अभी आगे आएगा तो जो नए वाले बैलेंस शीट का शेड्यूल थ्री का है उसकी वीडियो में अलग से अपलोड करूंगा इसी क्लास के अपलोड होने के बाद ही जो आपको घर से देख के नोट करके समझ के आना है क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट सिर्फ समझाने लगू दो दिन उसमें निकल जाना है और टाइम इतना नहीं है कि हम इन चीजों में टाइम अगर हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है और वो चीजें ऐसे नहीं है कि आपने पहले कभी देखा ही नहीं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा उसको तो मुझे शुरू से ही बताना है और जो चीज आप पहले पढ़ चुके बस रिकॉल करना है तो वो चीजें मैं एक वीडियो डाल दूंगा सिर्फ किसकी बैलेंस शीट और बैलेंस शीट एक बार आपके माइंड में आ गया फिर उसको बस हम क्या करेंगे आगे हम अगले क्वेश्चन में या फिर जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसी बैलेंस शीट को मैं नए फॉर्मेट से कन्वर्ट करके दिखा दूंगा अभी मैं करूंगा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सर सबसे पहला आता है शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड उसमें शेयर कैपिटल फिर जनरल रिजर्व फिर मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट फिर आपका शेयर वॉरेंट बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा तो पहले आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा बैलेंस शीट एक बार देखिएगा इसका वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा उसके बाद सर उसके बाद फिर अगली क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन क्या था सर मिनिमम पैसे की रिक्वायरमेंट कैसे इंतजाम करेंगे वो था सर सर क्वेश्चन में हमें न्यू बैलेंस शीट ही बनानी बिल्कुल न्यू ही बनानी है पुरानी नहीं बनानी इनफैक्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके वो भी चांसेस मान के चलो नई बैलेंस शीट के हिसाब से ही आएंगे क्वेश्चन ये तो पुरानी बुक के मतलब पुराने क्वेश्चन हैं तो दे दिए वहां पे ऐसा आपको ये मान के चलो हमेशा न्यू बैलेंस शीट सर लोन वाली एंट्री समझ नहीं आई मुझे पता था कि लोन वाली बच्चों का डाउट होगा देखो लोन कैसे लिया क्वेश्चन ने कहा कि आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने में आपको टोटल पेमेंट कितना करना था साढ़े पांच लाख कैसे आया सर साढ़े पांच लाख पांच लाख रुपए का प्रेफरेंशियल पचास हजार का ब्याज लेकिन आपके पास तो पैसे जो इकट्ठे कर पाए सिर्फ दो ही लाख कर पाए फ्रेश इशू से तो फ्रेश इशू से दो लाख तो साढ़े तीन लाख रुपए को आपको कहीं इंतजाम करना पड़ेगा क्वेश्चन ने खुद कहा कि साढ़े तीन लाख जो भी पैसे कम पड़ जाए उसके क्या ले लो लोन तो इस तरीके से डिफरेंस लाख का आ गया और ये लोन लेने की एंट्री है बैंक बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में पैसे आ गए और टू बैंक लोन चले गए इसके बाद मैंने इकट्ठे मैंने अपने बैंक से साढ़े पांच लाख रुपए निकाल दिया अगर मेरा ये लोन वाला पंगा नहीं होता तो इस कैश या बैंक की एंट्री इधर दिखानी पड़ती है हमें अगर हमारे पास मान लो सपोज करो पहले से हमारे पास बीस लाख पड़ा होता कैश में तो हमने साढ़े पांच लाख पेमेंट कर दिया अभी भी साढ़े चौदह लाख थे और जो फ्रेश इशू से दो लाख आए वो भी ऐड हो जाते हैं यहाँ पे ठीक है तो ये था आपका टोटल हाँ।, हाँ।, हाँ मैं इसी क्वेश्चन में नहीं लिखा इसी क्वेश्चन में सिर्फ बोला इसलिए किया कहा गया ऊपर सेटर तो हटा दिया मैंने। दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री होती है कि जो कैश के अंदर ट्रांजेक्शन होता है ना सिर्फ वही कैश होता है हमारे पास बाकी तो हम अपने प्रॉफिट को बस डबल एंट्री करने के लिए डालते हैं हमारे पास बैलेंस है कई बच्चों का है कि सर आपके पास तो पूरे पैसे थे ही दो लाख रुपए यहां से और तीन लाख रुपए से थे पांच लाख तो हो ही गए तो फिर क्यों आप इतने कर रहे हो? ये कैश के फॉर्म में नहीं है समझो आपके पास मैंने एक ये पी एंडल बनाया यहाँ पे जीपी लिखा मैंने दो लाख यहाँ पे सैलरी लिखा मैंने पचास हजार ठीक है यहां पे मैंने डेप्रीशियशन लिखा बीस हजार अब बताओ मेरा नेट प्रॉफिट क्या है ना लेकिन ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में एक तीसी पूरा जुड़ेगा अगर रिजर्व सरप्लस में एक लाख तीस हजार जुड़ रहा है तो अगर आप यही बोल रहे हो कि सर इतना कैश तो होगा ही नहीं आपके पास तो कैश एक लाख पचास हजार होगा क्योंकि इसमें तो कैश अपने किसी को पेमेंट किया ही नहीं क्योंकि आपके पास दो लाख थे जिसमें से पचास सैलरी दी है में जितना प्रॉफिट है और ये जरूरी नहीं कि उतना ही मेरे जेब में कैश होंगे तो प्रॉफिट बस एक एंट्री होता है जो कि हमें अपने बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में डबल एंट्री मैच करने के लिए करना पड़ता है ठीक है ना तो इसलिए हमारा ये वाला सारा का सारा एंट्री सर ऊपर कमेंट पढ़ लेना क्लास डिसकनेक्ट करने से पहले कौन सी कमेंट एक बार रिपीट कर दो आप कॉपी करके एक बार दोबारा से कर दो मेरा डाउट बता दो बोनस शेयर रजिस्ट्रेशन छः सात की भी वीडियो अपलोड हाँ इसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी सेवन नो इंटर कनेक्टिविटी प्लीज चेक मुझे कह रहे हैं मेरा तो चल ही रहा है सर कॉरपोरेट की क्लास पर डे होगी अब और टाइम फाइव पी देखो मैं जो टॉपिक मेरा लगता है कि भैया डेढ़ घंटे का है एक घंटे की क्लास तो है तो मैं क्लास का ऐसा रखूंगा जिस दिन मुझे जैसे अगली क्लास में मुझे ज्यादा कुछ कराना है तो फिर पाँच से साथ रखूंगा और जिस क्लास में मुझे लगेगा कि यार दो घंटे में अगर आधे घंटे में मैं बैलेंस शीट समझाने लगू तो नॉट पॉसिबल अगर मैं आज पांच से क्लास भी स्टार्ट करता तो मैं यहीं तक टॉपिक खींच पाता इसके बाद मुझे करवाना क्या है बैलेंस शीट जो कि होगा ही नहीं आधे घंटे में इसलिए आज डेढ़ घंटे की है अगली क्लास दो घंटे की होगी क्योंकि वहां पर मुझे क्या समझाना है मिनिमम फ्रेश इशू इक्वेशन मेथड भी है इसके अंदर एक जो कि हम करेंगे

आ, तीन से चार क्लास का ये चैप्टर है खत्म हो जाएगा इसके अंदर फिर कन्वर्जन भी आएगा और कन्वर्जन के साथ साथ फिर बोनस और बायबैक भी इसके अंदर जुड़ेगा फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर हाँ इसमें अगले क्वेश्चन में आप देखोगे क्वेश्चन लास्ट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर बोनस भी मिलेगा क्वेश्चन के अंदर राइट इशू भी मिलेगा देखो इसी वाले क्वेश्चन में मिल गया शायद राइट इशू मैं सोच तो रहा था करा दूं लेकिन मैंने नहीं कराया

आपने के क्वेश्चन नंबर में जो जर्नल किया है बैंक वाली एंट्री कट कर दी उसका कैश बुक में नहीं लेंगे तो वो एंट्री नहीं करेंगे नहीं कैश बुक जब भी बनाओगे तो कैश बुक बनाते टाइम पे आपको बैंक वाली एंट्री नहीं लेनी होती है जैसे कि आपको वीडियो में कराई गई है चलिए सर अब एक बार फटाफट जिनको जैसे जैसे नोट करना है पांच से दस मिनट लेके आप नोट कर लीजिए आज